भाजपा के कद्दावर नेता और पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय सोमवार को आगर मालवा के मां बगलामुखी मंदिर पहुंचे। नगर में स्थित विश्व प्रसिद्ध पीताम्बरा शक्तिपीठ में मां बगलामुखी के दर्शन करने पहुंचे कैलाश विजयवर्गीय ने इस मौके पर पत्रकारों से भी अनौपचारिक चर्चा की। मां के दर्शन करने पहुंचे कैलाश विजयवर्गीय के साथ उनके पुत्र आकाश विजयवर्गीय और परिवार के अन्य लोग भी मौजूद रहे। वे यहां से राजस्थान के छाबड़ा में स्थित अपनी कुल देवी के मंदिर में भी पहुंचे। इस मौके पर पत्रकारों से चर्चा करते हुए उन्होंने राजगढ़ में प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ की गई अभद्रता की भी जमकर निंदा की। आगर मालवा से संजय पाटीदार की रिपोर्ट। नहीं, बेटे की शादी हम तो माताजी को निमंत्रण करने आए घर के लिए, और यहाँ से हमारे कुल देवता को निमंत्रण देने जा रहे हैं, तो पूरा पारिवारिक कार्यक्रम है। सर, जेपी नड्डा अभी अध्यक्ष बने, उनके सामने अब क्या बड़ी चुनौती रहेगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष बनना अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती भी है, पर सबसे बड़ी बात यह है कि संगठन में बड़ा पारिवारिक माहौल है, इसलिए कितनी बड़ी चुनौती हो, जो अध्यक्ष बनेगा वो उस चुनौती को आराम से बड़ी सरलता से पार करेगा और जो लक्ष्य बीजेपी का वो पालेगा। कोई खास बात राजगढ़ में जो सीए के समर्थन में जो लोगों को घटना घटी है? देखिए, मुझे लगता है कि अधिकारियों को इतना अहंकार नहीं होना चाहिए। ये सरकार का अहंकार तो समझ में आता है, पर अगर प्रशासन इतना अहंकारी पूर्ण व्यवहार करेगा तो ये बहुत गलत है, और हम कमलनाथ जी से निवेदन करना चाहते हैं कि इस प्रकार के अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करें, नहीं तो भारतीय जनता पार्टी इसमें आंदोलन करेगी। सर, किसी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को थप्पड़ मारने का अधिकार है क्या है आप किस नज़र से? बिल्कुल भी नहीं है। मैं समझता हूँ कि आईएएस एसोसिएशन को कम से कम जो नए नवेले जो आईएएस अफसर फील्ड में गए हैं उनको थोड़ा सा ट्रेनिंग देना चाहिए कि कैसे लाइन ऑर्डर मेंटेन किया जा सकता है, और इस प्रकार सड़क पर उतर कर बिल्कुल दोनों महिलाओं ने जिस प्रकार का व्यवहार किया भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से, ये मुझे लगता है कि बिल्कुल बर्दाश्त करने लायक नहीं, और हम इसकी निंदा करते हैं। सर, नेहरू युवा केंद्र का नाम बदलकर स्वामी विवेकानंद पर रखने का छत्तीसगढ़ राज्यपाल ने कहा है, इससे आप कितना इत्तेफाक करते हैं? साधारणतया लोगों की अपनी व्यक्तिगत राय होती है, इसके ऊपर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूँगा, पर स्वामी विवेकानंद निश्चित रूप से युवाओं के प्रेरणा के केंद्र हैं, और जब युवाओं का नाम आता है तो स्वामी विवेकानंद सबसे पहले हमारे देश में ऐसा व्यक्तित्व है जो जिसने विश्व में भारत की संस्कृति, संस्कार और धर्म को एक तरीके से बहुत अच्छे तरीके से रखा है।